ये रांची का मोहराबादी मैदान है जहाँ पर सहायक पुलिस जो हजारों की संख्या में आए हुए हैं और अलग अलग तंबुओं में वो रह रहे हैं और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी है जो सहायक पुलिस ही खुद बना रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये लोग कैसे जो हैं वो पूरी तैयारी कर रही हैं। तो देखिए आप लोग किस जिला से आए बता दीजिए। सिमडेगा जिला से आए। कितने की संख्या में आप लोग आई हैं? 150 की संख्या में। अच्छा आप भी आ जाइए ना, सब बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सब्जी कट रहा है, बंदा गोभी की सब्जी है, उधर जो है पूरी तैयारी है, अचार का डिब्बा है, जितने भी खाने पीने की सामान हैं, और ये यहाँ पर जो है टेंट है और खाना पीना जो है वो बन रहा है अभी तत्काल जो। अच्छा जितने अलग अलग जिला के हैं सबका अलग अलग खाना बन रहा है ना? हाँ अलग अलग बन रहा है। अच्छा अच्छा आप लोग का ड्यूटी कहाँ पे था? ड्यूटी आप लोग का कहाँ पे था? कोर्ट में। अच्छा ठीक है। तो ये आप लोगों की मांग क्या क्या है ये बताइए। मांग अभी 8 सूत्री मांग है, वो अभी लिस्ट बन रहा है और आगे की रणनीति शाम से शुरू हो जाएगा। आप लोग दो बार तो आंदोलन कर चुकी हैं, दो बार में आप लोगों को न्याय नहीं मिला, इस बार क्या लग रहा है, क्या सोच के आई हैं इस बार आप लोग? एक बार मौखिक मिला, एक बार लिखित मिला, इस बार करो या मरो का आंदोलन हो रहा है, इस बार नौकरी रहेगी या जाएगी, यही आंदोलन करना है इस बार, क्योंकि हमें सर हम लोग को सरकार ठगा महसूस हो रहा है। हम लोग को दो बार हम लोग को ठग चुके हैं सरकार, इस बार कुछ लेके ही जाए, अन्यथा हम लोग यहीं रह जाएंगे, या तो वर्दी रहेगी या उतरेगी। अच्छा मतलब आप लोग फैसला कर लिए हैं वर्दी रहे चाहे उतरे। 10,000 में क्या कुछ होने वाला नहीं है, तो वर्दी एक तो सरकार अपना रख ले, या दे रहा है तो एक अच्छा तरह से एक सम्मानजनक वेतन दे के वर्दी पहना के ड्यूटी कराए। सरकार तो इस बार कह रही है कि हम 40,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं, आप लोग को अस्थाई क्यों नहीं कर रही है? दिमाग में सवाल तो आता होगा ना? सवाल बहुत सारा आता है, अब सरकार का मनसा क्या है, क्या सोच रहा है वो। अब 7 साल हम लोग नौकरी कर चुके हैं, अगर सरकार को इस बार अगर नहीं मान रहा है तो हम लोग उग्र हो के कुछ ना कुछ इस बार लेके जाएंगे। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि इस बार आप लोग उग्र हो जाएंगे, मतलब सरकार से खफा हो गए, नाराज हो गए? नाराजगी तो दिखाना ही पड़ेगा जब हम लोग के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। 10,000 में इतना महंगाई के जमाना में कहाँ हो रहा है, सबका भी जिस टाइम बहाली हुआ उस टाइम 20-21 साल के थे, अभी सबको शादी ब्याह बाल बच्चा कहाँ, 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है, इस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। अभी तो रिचार्ज भी शायद आज या कल से ज़्यादा हो गया है, उसमें भी आदमी हर चीज़ का महंगाई है, बस हम लोग का 10,000 के अलावा सैलरी वो 10,000 का 10,000 फिक्स है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो इस ज्वाइनिंग कितने पे हुए थे? 2017 में हुई थी 10,000, 10,000 का और कोई भत्ता नहीं, और अभी तक 10,000 ही वो फिक्स है। 7 साल हो गया, अभी तक 1 रुपया एक भत्ता एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब कि 7 साल ज्वाइनिंग की भी हो गए, महंगाई बढ़ गया, रिचार्ज वो दुगना होने जा रहा है, लेकिन आप लोग की सैलरी नहीं बढ़ी है? सैलरी पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो सरकार से यही है कि वो हमारे जो दर्द है पीड़ा है समझे और हमारे ऊपर। अच्छा इस बार आप लोग क्या पूरी तैयारी के साथ आई हैं? तैयारी तो आप लोग देख ही रहे हैं, इस बार हम लोग कुछ लेके जाएंगे, हमारा यहाँ कुछ खाने का व्यवस्था है। खाना पीना कैसे मैनेज कर रही है ये बताइए, क्योंकि आप जब रहेंगी लंबे वक्त के लिए तो तैयारी करके आएंगे, क्या रणनीति बनी है, कैसे खाना पीना सब मैनेज हो रहा है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? नहीं पैसा जो होता है जो भी हम लोग उसी में बचा के अपना सरकार से मांग करने के लिए जमा उमा फंडिंग करके रह रहे हैं, और नहीं होगा तो क्या करेंगे, घर वालों से मांगना पड़ेगा। 10,000 में तो हम लोग का चलने वाला नहीं है, लेकिन लेके ही जाएंगे इस बार कुछ ना कुछ सरकार को। आज खाने में क्या बना रही है ये बताइए? गोभी बन रहा है, आलू और दाल भात। दाल भात और आलू गोभी बस मिल के ही लोग बना रहे हैं। मिल के ही बनाना पड़ता है। कितने वो खाना आप लोग बना रही है? अभी बनेगा 140 लोग का। 140 लोग खाना, मतलब इस यहाँ पे 140 लोग खाना। हम लोग का जो ग्रुपिंग है उसमें। अच्छा उसमें 140 लोग हैं और आप लोग 7-8 लोग मिलके 140 लोगों का खाना बना रही है। हाँ, उतना बन जाएगा। चलिए तो आप ये तैयारी देख रहे होंगे, 140 लोग जो हैं उधर घूम जाते हैं, 140 लोग जो हैं उनका खाना एक टेंट में बन रहा है। तो बता दें कि 4-5 टेंट्स हैं, जिस जिला से पूरा ग्रुप आया हुआ है उन लोगों का खाना कुछ लोग जो है वो मिलके बना रहे हैं। आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर है, ये बड़ा सा टब चढ़ा हुआ है, इसमें क्या अभी गर्म पानी हो रहा है? नहीं चावल बन रहा है। अच्छा चावल बन रहा है, और देखिए इधर सब्जी कट रही है, उधर आलू प्याज कट रहा है, दो बड़ा टब है और चावल दाल सब्जी आज बनना है। आ जाइए इधर बात कर लेते हैं, आपका नाम क्या हुआ ये बता दीजिए। मेरा बिनिशा तिर्की है। बिनिशा तिर्की जी, आप किस जिले से हैं? सेम जिले से, सिमडेगा जिला से। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार आप लोगों की बात मानेगी? दो बार, एक बार मौखिक आश्वासन मिला, एक बार क्या लिखित आश्वासन मिला है, दूसरा उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ।
इस बार तो अब आप लोग तो कह रहा ना जला हुआ दूध पीता है, तो एक बार मौखिक आश्वासन, लिखित आश्वासन, इस बार क्या प्लान है आप लोगों का, क्या कुछ कंफर्म करके जाना है? जब तक यहाँ पे हम लोग को सरकार कुछ नहीं करते, यहाँ से जाना ही नहीं है। जैसे अगला बार 2 महीना का टाइम मांगा था, आए थे, अभी 1 साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो अब इस बार जब तक हमको लिखित भी मिले और मौखिक भी मिले, लेकिन यहीं से ही लेके जाना पड़ेगा। जी हाँ, आप लोगों को क्या लगता है, मिथिलेश ठाकुर आए तो क्या ऐसे नेता हो कि आप चाहते कि मुख्यमंत्री खुद आकर क्या आश्वासन दे? क्योंकि दिमाग में तो होगा ना, ये नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, चाहे हेमंत सोरेन हैं, तभी उनकी बात मानेंगे। लिखित आश्वासन चाहिए। क्या कुछ मांग आप लोग रखेंगे? हम लोग का 8 सूत्री मांग है, जिसमें से वर्दी भाता हो जाए। वर्दी भाता जहाँ पे TADA मिलता है, दूसरा जिला से बाहर जिला जाते हैं उसका भी नहीं मिलता है हम लोग को वेतन उतन, और 10,000 में 10,000 मिलता है हम लोग को। मतलब आप लोग दूसरे जिला जाते हैं फिर भी पैसा वही 10 का 10,000 है। क्या आप लोगों को कहा जाता है वर्दी और जो जूता होता है अपने पैसे 10,000 से लेनी पड़ती है? जी हाँ, 10,000 से ही लेनी पड़ती है वर्दी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। मतलब काम जो है वो एक सामान्य पुलिस का लिया जाता है, लेकिन सैलरी 10,000, 7 साल से 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया, TADA कुछ भी नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। बाहर जिला जाते हैं, जैसे जिला बल को मिलता है वैसे कुछ नहीं मिलता है, 10,000 की 10,000। कैसे आप लोग मैनेज कैसे करते हैं, ये अपने आप में ही है आप लोग, इसलिए तो दाल भात खा रहे हैं और कुछ नहीं, आलू और दाल भात यही चलेगा अभी तो। ये तंबू है, देखिए हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, दाल भात सब्जी जो है ये लोग बना रहे हैं, कुछ और हैं उनसे बात कर लेते हैं सब। देखिए एक यूनिटी बना करके एकता के तहत जो है वो खाना बन रहा है। यहाँ पे पूरी तैयारी, विजुअल्स दिखा दीजिए, पूरी तैयारी है, आलू कटा हुआ है, प्याज कट गया है, वहाँ केली की सब्जी है और बाकी जो भी तैयारियाँ हैं वो लोग जो हैं मिलकर खुद बना रहे हैं। आप थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेखा कुमारी। एक ही जगह से आई होंगे, क्या सरकार को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इस बार सरकार आपकी बात मानेगी, किस मनोभावना के साथ आए हैं, क्या तैयारी है आप लोग? इस बार हम लोग कुछ लेके ही जाएंगे, जब तक सरकार हम लोग का मांग पूरा नहीं करती है हम लोग मोराबादी मैदान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दो बार तो आप लोगों के साथ धोखा हुआ ना, सरकार ठगी, लेकिन इस बार हम लोग कुछ लिए बिना जाएंगे नहीं। क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी आप लोगों की? देखते हैं, मानना होगा सरकार को। आप मतलब मनवा के यहाँ से जाएंगे? कुल मिलाकर कितने 2500 लोग है ना, 2500 लोग यहाँ आ जाएंगे, क्या पूरी यूनिटी है, हर लोग यहाँ आ जाएंगे? जी आ जाएंगे सब। आप जिस जिले से आई हैं कितने लोग वहाँ से आए? 140। अभी 140 में वो खाना बन रहा है, आपका पूरा ग्रुप पहुँच चुका है? जी सर। और रहने के लिए कौन सा आप लोग का टेंट है? हम लोग का ये टेंट दोनों। अच्छा, ये सामने वाला टेंट। लेकिन अगर बरसात होगा तो फिर रहने में तो दिक्कत होगा, फर्श होगा, लेकिन दिक्कत को साइड में रखना पड़ेगा ना, रहना पड़ेगा, रहेंगे क्योंकि बरसात का ही मौसम आ गया, पानी भी लगातार पड़ता रहेगा। तो क्या टेंट उतना मजबूत है कि पानी को झेल लेगा? बनाएंगे मजबूत। अच्छा, बनाएंगे। तो हमने आपको तमाम एक बार आपसे और पूछ लेते हैं कि एक बार देखिए, आपको दिखा देते हैं कि चावल जो है इसमें बन रहा है। हाँ, तो आपको जो है वो तैयारी दिखा देते हैं कि छोटा सा टेंट है, अगर आप इसी टेंट को अगर आप देखेंगे तो अगर पानी जोरदार पड़ जाए तो फिर काफ़ी दिक्कतें होंगी। भले ही अभी ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बांस के खूंटे के जरिए इसको बांधा गया है, जोरदार आंधी अगर आ जाती है। हाँ, ये कहेंगे कि जो आप लोग का टेंट रहने का है, जो हम सामने वाला टेंट देख रहे हैं, अगर एक बार जोर का बारिश हुआ तो वो तो भीग जाएगा या टेंट ही गिर जाएगा, फिर कैसे मतलब कैसे आप लोग झेल पाइएगा फिर इसको? फर्स्ट बार का आंदोलन आए थे तो जैसे टेंट उठ कुछ बना नहीं था, और जैसे बरसात हुई तो पूरा हम लोग का टेंट लगाया हुआ था उड़ गया था, लेकिन पकड़ के रह लिए हम लोग, उतना बरसात में हम लोग टिक गए। जैसे पहली बार किए थे उस बार इस बार भी होगा, मतलब जितनी परेशानी हो लेकिन आप लोग टिके रहेंगे, जब तक मांग ही पूरी नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। यही सरकार को कोई आप लोग देना चाहते हैं, उनसे कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं? हेमंत सोरेन से अगर आपको कुछ बात कहना होगा, अभी जो CM है चंपा सोरेन, तो आप एक मिनट में या चंद लाइनों में क्या कुछ उनसे कहेंगे? हेमंत सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का जितना जल्दी हो सके अस्थायी कर दे, सहायक पुलिस अस्थायी कर दे और वेतन वृद्धि कर दे, यही मांग है। चलिए, तो हम आपको लगातार जो है दिखा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में जो सहायक पुलिस हैं वो आए हुए हैं, सबका जितना भी जिला है एक ग्रुप है जिसमें 140 150 लोग हैं। सामने ये टेंट लगा है, उसके ठीक पीछे जो है वो खाने के लिए त्रिपाल लगाया गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक बार का ज़ोरदार बारिश हो जाए तो फिर इन लोगों के लिए रहना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब बरसात हुआ था आंधी में हमारा त्रिपाल उड़ा था, हम त्रिपाल पकड़ के रह लिए थे, इस बार भी उसी तरह रहेंगे, लेकिन इस बार लौट के जाने वाले नहीं है, सरकार को जो है वो हमारी बात माननी होगी। तो हम लगातार मोराबादी मैदान में मौजूद हैं और हर स्टोरी को कवर कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर
जो है वो जल्द से जल्द कोई फैसला लें, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम अपनी मांग तो है वो मनवा कर जाएंगे, दो बार धोखा खा लिया है, तीसरी बार नहीं खाएंगे। लिखित आश्वासन चाहिए, वो भी सीधे किसी कद्दावर नेता से।